हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फाइनल अकाउंट रियल में बनाते क्यों हैं और फाइनल अकाउंट बनाने का क्या स्टेप है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं और क्यों बनाया जाता है। तो चलो देखो, नाम से ही पता चल रहा है फाइनल अकाउंट मतलब अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं, सबसे जो लास्ट स्टेप है अपने बिजनेस का स्थिति का पता करने का, तो वह है क्या? फाइनल अकाउंट। अब चलो रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं, ध्यान देना, सुनना, समझना थोड़ा सा। जैसे हमने अभी क्या क्या सीखा है इसको समझो। पहले हमने बिजनेस में सबसे पहले यह सीखा कि किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरल का। अब जनरल जैसे करते हैं तो इससे हमको क्या पता चलता है, कितने अमाउंट से कौन डेबिट है और कितने अमाउंट से कौन क्रेडिट है। बोलो, इतना क्लियर है आपको? उसके बाद से लेजर बनता है और लेजर में क्या बनता है, हमने बताया था, ग्रुप समरी बनता है। और ग्रुप समरी में पता चलता है लास्ट में, उस महीने के लास्ट में, ठीक है, हिसाब किताब, एक ग्रुप का समरी निकलता है, कैश कितना पड़ा हुआ है, बैंक में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, कितने रुपए का बिल्डिंग है, कितने रुपए का बैंक का लोन है, ईटीसी, सब हम लोग क्या कर लेंगे, लेजर से हम लोग पता कर लेते हैं ग्रुप समरी। उसके बाद हमने क्या बनाया था, ट्रायल बैलेंस। बोलो, अब ट्रायल बैलेंस हम क्या चेक किए थे, अकाउंटिंग एक्यूरेसी, मतलब डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों क्या था हमारा, इक्वल था। तो मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस के एक स्टेटमेंट है जिससे हम लोग अपने बिजनेस का स्थिति पता करते हैं कि बिजनेस का एक्यूरेसी क्या है। हमने अभी तक जो क्वेश्चन किया वह सही किया या गलत किया है। अब रहा सवाल कि सर फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो देखो, जो हम ट्रायल बैलेंस बनाए हैं उसी से हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, तो समझे। जो ट्रायल बैलेंस हम कल बनाना सिखाए थे उसी से अब क्या बनाएंगे हम लोग, फाइनल अकाउंट। अब बनाते क्यों हैं, रीजन क्या है, इसमें कितने पार्ट्स हैं और किसको कैसे बनाते हैं, उसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइनल अकाउंट से हम पता कर पाएंगे अपने बिजनेस का स्थिति, स्टेटमेंट कि हमारे बिजनेस का स्थिति क्या है, बिजनेस हमारा हेल्दी है या अनहेल्दी है, कितने क्या प्रॉफिट में जा रहे हैं या कितने से लॉस में जा रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं पता कर पाएंगे। इसके लिए हमको तीन स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले इसमें हमको एक अकाउंट बनाना होगा, वो बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट हमको बनाना होगा, वो बनाना होगा पीएल अकाउंट। उसके बाद जो हमें बनाना होगा वो बनाना होगा बैलेंस। मतलब अगर हम इतना बना लेते हैं तो हम पता कर पाएंगे कि रियल में हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है। अब किसे क्या पता होता है, वही आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तीनों है, अभी दिखाऊंगा कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो आज जो मेन टॉपिक होगा वह ट्रेडिंग अकाउंट होगा। अब देखो, एक बार में हम बता देते हैं कि अगर तीनों बना लेते हो तो क्या पता चल के आएगा, मतलब ये तीनों बना लेंगे तो हम पता कर पाएंगे कि हमारे व्यापार में रियल में नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है या नेट लॉस कितने का हुआ है, दोनों में से कोई एक ही होगा ना। और हमारे बिजनेस का कितने रुपए का, मतलब कितने का अभी एसेट्स बचा है और कितने लायबिलिटीज, और अगले साल का हमारा कैपिटल क्या होगा।
अगर यह नहीं निकालते हैं तो हम आसानी तरीके से पता नहीं कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, चलिए इसको थोड़ा हम एक एक करके पढ़ते हैं, क्या समझाया जा रहा है। देखो कहा जा रहा है, देखो फाइनल अकाउंट एक ऐसे स्टेटमेंट है होते हैं जो क्या फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है। जब ट्रायल बैलेंस लास्ट में बनाते हैं उसी के सारे बनाते हैं, तो लास्ट में बनाएंगे, लास्ट में बनाया जाता है। इसे जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को दो पक्ष, मतलब रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट। करे तो दो था, तीन मिल गया। पहला क्या बनाएंगे हम लोग, ट्रेडिंग, दूसरा क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस। तो इसमें एक ही में लिखा है, लेकिन तीनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा तभी हम लोग स्टेटमेंट चेक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं चेक कर पाएंगे। चलो सबसे पहला क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। अब कोई कहता है सर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, बनाते कैसे हैं, क्या इसका रूल है। तो देखो इसका रूल बहुत सिंपल बता दे रहा हूं, यहां पे पहले समझो। जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, अभी मैं फॉर्मेट समझाऊंगा। सुन लो, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो करते क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या क्या ध्यान देना होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्या निकल के आता है, यह थोड़ा समझना आप लोग। देखो बिजनेस में ट्रेडिंग, याद करो हम पढ़ाए थे आपको कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग के व्यापारी वाले, ऐसा व्यापारी जो केवल गुड्स को क्या करे, परचेज करे, अपना मार्जिन ऐड करे और पूरा सेल कर दे, याद है आपको। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय भी ना ये तीन चार नाम बार बार आएंगे, क्या क्या आएंगे समझना। ट्रेडिंग अकाउंट कहता है कि जो ट्रायल बैलेंस का जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बड़ा सा, ठीक है, जिसमें डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट रहेगा, तो उसमें से आप छांटना क्या कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में आप लोग इसमें से जो परचेज होगा तो उस परचेज को लिखना, अगर इसमें परचेज रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न को लिखना, और जितने डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे उस डायरेक्ट एक्सपेंस को लिखना। अब कहो सर क्या मतलब है, सपोज हमने परचेज कितने का किया, 50,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल। हमने परचेज रिटर्न कितने का कर दिया, 5,000। तो बैलेंस रियल में परचेज कितना माना जाएगा, 45,000। समझ में आ रही बात है। डायरेक्ट एक्सपेंस सपोज हमने कितने का किया, बोलो, सपोज हमने किया 2,000 रुपये का, तो आप बताओ टोटल बैलेंस कितना आएगा, 45,247। आपको तो क्या बता रहे हो, जिसका फॉर्मेट यही कहता है। सुन लो, ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है, मतलब जितना हम लोग परचेज किए हैं और जितना सेल किए हैं उनका हिसाब किताब किसमें देते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों है, तो बताया जा रहा, जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। मतलब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ना तो हमारे व्यापार में यह पता चलेगा कि हमारा व्यापार ग्रॉस प्रॉफिट में जा रहा है या ग्रॉस लॉस में। मतलब अब ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का मतलब क्या है, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा प्रॉफिट कितना है, लेकिन रियल में हाँ प्रॉफिट में हमारा व्यापार जा रहा है या लॉस में हमारा व्यापार जा रहा है। तो यह स्थिति किससे पता चलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। अब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, तो यह मैं बताऊंगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सेलिंग्स क्या होता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो बताएंगे। कहा जरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, निम्नलिखित,
क्या क्या होता समझना, जब हम बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे, लिखेंगे ऊपर हेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ एंडिंग, कब बनाते हैं 31 मार्च को, ये सब कुछ समय आ रहा है। फिर से क्या बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद पार्टिकुलर अमाउंट समझने की कोशिश करना। पहला ऑप्शन क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक लिखा है, टू ओपनिंग स्टॉक, मतलब अगर क्वेश्चन हमारे सामने मिल जाएगा और वहां पे लिखा रहेगा टू ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय उसको किस साइड ट्रांसफर करेंगे, लेफ्ट साइड, कितना पैसा, जितना पैसा होगा लिख देंगे, समझना। फिर से ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे क्या है, परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय किस साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड, टू करके जितना परचेज है उतना लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन देखेंगे ऊपर, और ट्रायल बैलेंस में अगर लिखा है परचेज रिटर्न, तो लेस रिटर्न करके उसका पैसा लिख देंगे। अब मान लो परचेज किया है कुछ, कुछ रिटर्न हुआ है, माइनस करके उसका बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। और व्यापार में जितने डायरेक्ट एक्सपेंस किए हैं, जैसे वेजेज कैरेज चार्जेज फ्रेट ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, सब क्या बोले जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोले जाते हैं, तो उसको आप ऐसा यहाँ पे लिख देंगे, अब समझना। उसके बाद से लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, इतना क्लियर है। फिर से क्वेश्चन ऊपर देखेंगे, अगर सेल होगा तो राइट साइड में आएंगे, लिखेंगे बाई सेल, जितना पैसा होगा लिख देंगे। फिर से क्वेश्चन में देखेंगे अगर सेल रिटर्न होगा तो लिखेंगे क्या, लेस रिटर्न, और पैसा लिख देंगे, और दोनों को माइनस करके जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है। फिर से क्वेश्चन में देखेंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक, बताओ सेल करने बाद से जो ओपनिंग होगा कुछ ना कुछ बचा होगा ना जी, तो क्लोजिंग स्टॉक जितना बचा रहेगा वह यहाँ पे लिख देंगे, और बाय ग्रॉस लॉस यहाँ पे फॉरवर्ड बना के छोड़ देंगे। अब होता क्या है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, सपोज पूरा पैसा लिखने के बाद इधर आया था कितना, 5 लाख, समझना, अभी बताऊंगा क्या फॉर्मेट है। और इधर हम जुड़े थे, इधर बैलेंस आया था 3 लाख, कितना आया था जी, 3 लाख, तो आप बताओ कम किधर पड़ा, लेफ्ट साइड या राइट साइड, राइट साइड, तो जितना पैसा कम पड़ता है वही पैसा माइनस करके ग्रॉस लॉस में लिख देंगे, तो आप लिखेंगे कितना, 2 लाख, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 लाख, तो दोनों हमारा बराबर भी आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या पता चला कि 2 लाख का हमारा व्यापार क्या हो रहा है, लॉस में जा रहा है, क्योंकि इधर इनकम वाला रिकॉर्ड है और इधर हमारा एक्सपेंस वाला रिकॉर्ड है। तो आप बताओ एक्सपेंस किया था कितना, 5 लाख, और हमारा इनकम कितना हुआ था, 3 लाख, तो आप बताओ, अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, माना कि 3 लाख है, तो आप बताओ दोनों में ज्यादा किधर है, एक्सपेंस साइड या इनकम साइड, तो आप बताओ हमारा व्यापार घाटे में जाएगा फायदे में जाएगा, ठीक है, इसीलिए लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस, उतना पैसा लिख देंगे, और 2 लाख 3 लाख कितना हो जाएगा, 5 लाख, तो टोटल में यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे भी हो जाएगा और 5 लाख यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन सपोज अगर मान लो 7 लाख इधर आ गया तो, और 5 लाख इधर आ गया तो कम किधर पड़ा, एक्सपेंस साइड, इनकम में हमने कितना किया, 7 लाख, एक्सपेंस कितना किया, 5 लाख, तो कितना बचेगा, 2 लाख, तो पैसा भी यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। अब तब यह बताएंगे हमारे व्यापार क्या हुआ है, 2 लाख का प्रॉफिट में गया। अब कहोगे सर कैसे, तो चलो एक क्वेश्चन समझाते हैं कैसे करेंगे, इसको मटाएं, देखो कुछ ऐसे हम लोग को इस्तेमाल करना होता है। एक बार मैं वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, फिर से क्वेश्चन से बताऊंगा, एक क्वेश्चन तुरंत दूंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा कैसे बनाना। देखो आ गए यहाँ पे, सुन लो, ओपनिंग स्टॉक मान लो पैसा था वो था हमारा 2000 का, समझना थोड़ा सा, कितने का, 2000 का, क्वेश्चन में तो हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन मिलेगा हाँ जी उतना से। फिर से परचेज हमने कितने का किया था, तो मान लो हमने किया था 10,000 रुपए का, समझना थोड़ा सा, लेकिन परचेज करने बाद किसी कारण कुछ गुड्स खराब निकल गए तो हमने वापस कर दिया था, कितने का, 1,000 रुपए का, तो दोनों से माइनस करें तो कितना आएगा यहाँ पे, 9,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, मतलब खरीदते समय कुछ एक्सपेंस भी किया था, कितना, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो मान लो मैं कर दिया तो 2,000 का, क्लियर है, तो आप बताओ
2000, 9000 कितना हो गया? दो कितना हो गया? 13000। तो इधर टोटल आ गया 13000। अब उसी क्वेश्चन में हम देखे तो हमने सेल किया था उस महीने में, तो वह सेल किया था हमने लगभग कितना? तो हमने किया था 15000 का, और रिटर्न कितने का हो गया था? 5000। तो आप बताओ सेल रियल में कितना माना जाएगा? 10000। क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया था वह सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ जो बचा था वो बचा था कितने का? 5000। फॉर एग्जाम्पल तो आप बताओ 10 या 5 या कितना हो जाएगा टोटल? 15। तो 15 इधर कितना? इधर 13। तो आप बताओ पैसा राइट साइड कम है कि लेफ्ट साइड? ठीक है, तो माइनस करेंगे ज्यादा जिधर पैसा उससे माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2000। तो वही पैसा यहाँ पे लिख देंगे कितना? 2000। तो टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे? 13 से 15। तो हमारा बताएंगे सर इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट कितने का किया है? 2000 का। अगर यहीं पे पैसा ज्यादा रहता तो लॉस आता। क्या चाहते तो यहाँ पे लिख देते, लेकिन बताओ खरीदने के बाद कुछ वापस भी करते हैं ना, तो सोच रहे पहले एडजस्टमेंट कर दे पूरा पैसा तब लिखे फाइनल अमाउंट। इसीलिए किसका फॉर्मेट है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो ये फॉर्मेट आपको क्या होना चाहिए? रट्टा याद होना चाहिए किसमें क्या आएगा, तभी आप कर पाओगे ना था नहीं कर पाओगे। चलिए इसी पे क्वेश्चन दिया इसको समझाते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा बनाओ तो मेहनत करके देखते कितने लोग बना लेते हो। बनाओ तो समझा तो दिए, बनाओ अभी बताऊंगा 1 मिनट लगेगा। पहले क्या लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ 2000। और लगा दिए, किसका फोन है जी? 31 मार्च। अब यहाँ पे क्या पार्टिकुलर और अमाउंट किसे जी, यह फॉर्मेट यही हमारा है। अब देखो फॉर्मेट में क्या क्या दिया है वो हम फॉर्मेट आपको भी समझाए हैं उसी फॉर्मेट के हिसाब से बता रहे हैं। थोड़ा सा हेडिंग है थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको थोड़ा माल बॉर्डर कर देते हैं। अब ध्यान देना सबसे पहले हमारे फॉर्मेट में क्या है तो ध्यान दो क्या है बाबू? टू ओपनिंग स्टॉक। तो पहले क्वेश्चन में खोजेंगे क्या ओपनिंग स्टॉक दिया है ना, ओपनिंग स्टॉक कितने का? 15000 का। तो यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। कितने का? 15000। समझना अब समझ लो पूरा तब लिखना काम करना। उसके बाद से इस फॉर्मेट में क्या दिया है? परचेज। तो आप बताओ कहीं क्वेश्चन में परचेज दिया है? जी परचेज कितने का? 80000 का। तो यहाँ पे आएंगे टू करके लिखेंगे, टू छोड़ेंगे नहीं, टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे टू क्या परचेज कितने का? ठीक है तो हम यहीं पे माइनस कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं 80000। अभी माइनस करके वहां पे लिख देंगे 80000। फिर से यहाँ पे नीचे आते हैं और अगला देखते हैं और कुछ है क्या? सेल क्या है इसके बाद? सेल जो जो है उसको हम बताते जाते हैं। आप बताओ सेल इस फॉर्मेट के हिसाब से किस साइड जाएगा, लेफ्ट या राइट? राइट साइड। कितने का? जितना हो तो लिखेंगे 22 सेल। तो आ जाएंगे लिखेंगे 22 यहाँ पे 22 सेल। कितना रुपए का सेल किया है? जो भी बैलेंस है यहाँ पे 1,25,000 लिख दिया, 1,25,000।
ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एक एक करके जो जो क्वेश्चन में आता है फार्मूले में भरते जाएंगे। उसके बाद सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न हुआ है तो इसको लेस कर सकते हो या सेल रिटर्न ही लिख दो, बाई लेस या सेल्स रिटर्न कर दे सबसे अच्छा रहे, लेस भी कर सकते हो आपके ऊपर है। सेल्स रिटर्न कितना, 8,000 लिख देंगे, 8,000 यह क्लियर है, बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद से क्या है जी, उसके बाद अक्टर, उसके बाद प्रीमियस रेट, उसके बाद पैकिंग मटेरियल, ये सब जो दिख रहे हैं हमारे, उसके बाद पर्ची रिटर्न, वेजेज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सभी जो दिख रहे हैं ना आपको, ये हमारे व्यापार के लिए एक प्रकार का क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है, वो भी कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इस पूरे को रिकॉर्ड करें, एक पास लिख सकते हैं या कामा कामा दे के उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए जो बैलेंस उसको देखते हैं, तो इसको जोड़ लेते हैं, एक बार हम एक जगह लिख देंगे, ठीक है, काउंट करना थोड़ा सा टोटल कहीं पे बोलते जाओ, 500, 800, 800, उसके बाद 8,500, 2,000, गलती को दूसरा मत बोल देना, 12,000 क्लोजिंग स्टॉक है, पर्ची रिटर्न अलग है, वेजे 7,000, रुक जाओगे इसको पूरा हिसाब कर ले, वेजे 7,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,200, ऑल इक्वल टोटल जो बैलेंस आ रहा है इसका कितना आ रहा है, 20,000। तो यहाँ पे आएंगे और पहले एक रिटर्न भी है ना, पहले रिटर्न का हिसाब किताब कर लेते, कितना है पर्ची रिटर्न, कितने का, 5,000 का। तो यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे 2, लेस में लिख सकते हैं या समझाने के लिए लिख दो, परचेज रिटर्न कितने का, 5,000 का। तो आप बताओ यहाँ पे जो बैलेंस आएगा रियल में परचेज का क्या आएगा, 80 में से 5 माइनस कर दोगे तो 75,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, यही फॉर्मेट है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल यहाँ पे लिख देंगे, किसका किसका पैसा है, वेजेज का, कामा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, आपके ऊपर है, लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, पता चल जाएगा, पूरा छाप लेना ऐसे कामा करके, ब्रैकेट बंद कर दिया, टोटल बैलेंस कितना इसका, 20,000 लिख देंगे, 20,000। उसके बाद से यहां पे आएंगे लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, क्लियर है, उसके बाद से लिखेंगे टोटल अमाउंट, उसके बाद से नीचे आएंगे सेल कितना है, 1,25, रिटर्न कितना हुआ, 8, तो कितना होगा, 1,17,000 ना। अब आते हैं क्लोजिंग कितने का है स्टॉक, 12,000 का, तो आप लिख देंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 12,000 का। अब यहां पे लिखेंगे बाई ग्रॉस लॉस, अब चलिए हम कहीं किनारे यहां पर नहीं करते, किनारे कहीं अमाउंट जोड़ लेते हैं, इक्वल सम ब्रेकेट ओपन या अरे या ब्रेकेट बंद, टोटल वैल्यू कितना आया यहाँ पे, 1,10,000, यहाँ पे इक्वल या कितना आया, 1,29, पैसा किस साइड ज्यादा है, राइट साइड, तो यहाँ पे देख टोटल 1,29 आया, लिख देते हैं, कम जो पड़ा है कम वाला लिखते नहीं है, ध्यान देना, अब माइनस करेंगे, इक्वल 1,29 माइनस 1,10 कितना आया, 19,000। तो आप बताओ यहीं पे आ जाएंगे, लिख देंगे 19,000, अब यहाँ पे टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो यह है पूरा
1,29,000, इधर कितना 1,29,000। पता क्या चला, हमारा व्यापार जो प्रॉफिट में है वो कितने से है, 19,000 से। यही रिजल्ट हमको निकालना था, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान देना। या रियल अमाउंट नहीं पता, लेकिन हाँ हमारा व्यापार प्रॉफिट के सेक्टर में जा रहा है, लॉसेस हो रहा है, ऐसे। क्लियर है कैसे बना है, यही बनाने का तरीका होता है। एक बना के दिखा दिया ना, बोलो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें कोई डाउट है किसी को पूछ लो। लो सब थ्योरी पढ़ा दी,